चैनल ब्लिस एट होम बाय रुचि। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रुचि का आपको अपने बारे में और अपने चैनल के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि इस वीडियो से मैं अपनी चैनल की ऑफिशियल शुरुआत करूंगी। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन और यूट्यूबर बनने की इच्छा मुझे काफ़ी दिनों से थी। बचपन से ही मुझे ऑर्गेनाइज्ड होके रहने की आदत है। मेरे पेरेंट्स हमेशा से ही एक नीट एंड क्लीन घर मेंटेन करते आ रहे हैं एंड इसीलिए मुझे भी वो आदत लग गई। वैसे तो ऑलरेडी इस चैनल में मेरे दो वीडियोस हैं तो जो कि सिंगिंग के हैं। मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन सिंगिंग मेरी एक बहुत ही स्पेशल हॉबी है। पर आइडिया ये है कि कभी पॉसिबल हुई तो आगे आगे कभी डेली व्लॉग्स करूँगी तो ये सिंगिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इस चैनल में बेसिकली मेरे होम डेकोर और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के वीडियोस रहेंगे और पॉसिबल हुई तो डेली व्लॉग्स भी ज़रूर शेयर करूंगी। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपने वीडियोस और अपने कंटेंट के थ्रू अपने व्यूअर्स को इंस्पायर कर सकूं, स्पेशली वुमेन को हेल्प कर सकूं अपने आइडियाज़ एंड टिप्स के थ्रू। वैसे तो मुझे हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस बहुत पसंद है, अपने घर बहुत नीटली मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है ऑर्गेनाइज करना वो है वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। अपने सारे वार्डरोब्स के टूर मैं इस चैनल में शेयर करूँगी आगे आगे, लेकिन आज मैं अपने सारे वार्डरोब के टूर शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2.5 ईयर्स से मैं अपने होम टाउन में थी कोविड के वजह से एंड वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था। कुछ महीने पहले मेरी शादी हुई और अभी हम बैंगलोर वापस आ गए हैं। लगभग 2-3 साल से मैं अलग अलग जगह से साड़ीज कलेक्ट कर रही थी शादी के लिए जो इन ट्रॉलीज में थे। अभी अनपैकिंग हो गई और मैंने एक एक साड़ी को फिर से फोल्ड किया क्योंकि बहुत दिनों से ट्रॉली में बंद हो गए थे सारे। ये जो ग्रीन प्योर सिल्क साड़ी है मुझे मेरी मॉम इन लॉ ने दिए थे अपनी रिंग सेरेमनी में एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। मैंने फोल्ड कर लिया है साड़ीज अनपैक करने के बाद, तो ये मेरे सिल्क साड़ीज है और ये कुछ फैंसी सिल्क साड़ीज है और इतने बच्चे हैं और भी फोल्ड करने के लिए और मैं थक गई हूँ। तो जितना भी अभी तक फोल्ड हुआ है उसको हम कबर्ड में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। मैंने लिया था pepperfry.com से और ये जो लाइट्स आप देख रहे हो ये है मोशन सेंसर लाइट्स। आपने देखा ये मोशन सेंसर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं इनके लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इसको मैं फिलहाल तो ऑन मोड में कर लूंगी, इसकी ब्राइटनेस और थोड़ा ज्यादा रहती है। ये सेकेंड शेल्फ पे मैंने अपने सारे प्योर सिल्क साड़ीज स्टैक करके रखे हुए हैं। मैं इनको ऊपर भी रख सकती थी लेकिन इसमें ज़्यादा प्रेशर होंगे एंड मुझे इनको अलग सेक्शन करके रखना था, तो इसीलिए मैंने ये शेल्फ पे सारे सिल्क साड़ीज को रखा है। कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल्स के कैप को मैं रीयूज़ कर रही हूँ इन नैप्थलिन बॉल्स को रखने के लिए, सो दैट अगर कभी नैप्थलिन बॉल्स पिघल जाए तो साड़ीज को कोई दिक्कत ना हो। ये थर्ड शेल्फ में मैंने अपने साड़ीज़ के ब्लाउजेस रखे हुए हैं। ये वाली ड्रॉअर में मैं अपने कुछ पेटीकोट्स रखी हुई हूँ। सबसे टॉप वाले शेल्फ पे मैंने अपने सारे फैंसी साड़ीज रखे हुए हैं। वो जो टॉप वाली एक ऑर्गेंजा साड़ी है, ये टॉप वाली भी एक ऑर्गेंजा साड़ी है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ कॉटन सिल्क साड़ीज भी है और कुछ फैंसी साड़ीज भी है। यूजुअली मैं अपने साड़ीज को स्टैक करके रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ
क्योंकि सिल्क साड़ीज को वैसे भी तो हैंग करके नहीं रखना चाहिए, उसकी फटने की चांसेस ज़्यादा होती है अगर हम उसको टांग के रखेंगे तो। दूसरी वाली चीज़ ये है कि अगर हम हैंगर्स यूज़ भी करते हैं तो वो ज़्यादा स्पेस भी लेती है, तो इसीलिए मैं अपने सारे चीज़ सारे साड़ीज स्टैक करके रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये नैप्थलिन बॉल्स यूज़ कर रही हूँ कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल वाले कैप में, अगर कभी पिघल जाए ना तो साड़ीज़ में दाग नहीं लगेगा। ये मोशन सेंसर लाइट्स हैं और इस लाइट्स में 3 मोड्स हैं, ऑफ ऑन और ऑटो मोड्स। ये रिचार्जेबल भी हैं और इनके मोशन सेंसर भी काफ़ी अच्छा काम करता है। So this is how my cupboard looks. If you liked my content, don't forget to like and comment in the comment section below. And to get the notifications of my new videos, don't forget to click on the bell icon and subscribe to my channel. See you in my next video. Goodbye.